राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि आप मूली की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो आप सजेंटा कंपनी का जो एवरी वाइट मूली है इसे आप लगा सकते हैं। हम आपको इसके बारे में आज जानकारी देंगे। आज जानकारी देने से पहले किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, यदि आप मूली की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो जो सजेंटा कंपनी की एवरी वाइट मूली है बहुत ही ज़बरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बलुई दोमट मिट्टी या लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे उपजाऊ जो मृदा होती है वो बलुई दोमट होती है। और ये कितने दिनों में तैयार होगी, इसके फल का साइज़ क्या होगा, इसके फल का आकार क्या होगा, बीज दर, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे आज। तो किसान भाइयों, यदि आप मूली लगाना चाहते हैं तो आप सिजेंटा कंपनी की एवरी वाइट देख कर ही, पैकेट देख कर ही तभी ख़रीदें। नकली व डुप्लीकेट या अन्य वैरायटियों की अपेक्षा ये ज़बरदस्त होती है। यह देख कर ख़रीदें कि कहीं आपको डुप्लीकेट तो नहीं मिल गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। किसान भाइयों, एवरी वाइट जो सिजेंटा कंपनी की मूली है इसकी बुआई का समय सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी बुआई का उचित समय क्या है। इसकी बुआई आप सितंबर से अक्टूबर महीने तक कर सकते हैं और उसके बाद इसकी बुआई आप फरवरी से मार्च तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी बीज दर की। बीज दर 750 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर होता है। किसान भाइयों, यदि आप छिटकवा विधि से इसकी बुआई करते हैं तो आप इसकी बीज दर लगभग 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बीज दर डालें खेत में अपने, ताकि जब जमा हो तो आपको कोई दिक्कत ना लगे कि हाँ हमारे खेत में कम जमा हुआ है या हमारा नुकसान हो जाएगा जमाव की वजह से। तो किसान भाइयों, इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी बुआई आप कैसे करते हैं। नाली बनाकर यदि आप बुआई करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका उत्पादन होगा आपका, और ये छिटकवा विधि से करते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है, किंतु कहीं पर 5-6 बीज इकट्ठे पड़े होते हैं, यानी 5-6 पौधे इकट्ठे जमाते हैं, कहीं पर बीच बीच में जगह खाली रहती है, इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो यदि आप नाली बनाकर इसकी बीज की बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसकी बीज दर के बारे में आपको हमने बताया, अब आपको बताते हैं इसका फल का साइज जो होता है, इसका जो कंद होता है, इसकी जो जड़ होती है उसका क्या साइज होता है। लगभग 1 फीट के आसपास इसका साइज होता है, एकदम सफ़ेद और मूसला जड़ होती है, एकदम सीधी, इसमें कोई किसी प्रकार के रेशे नहीं होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और इसके फल की जो इसका जो कंद की मोटाई है किसान भाइयों, 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके बाद में आप इसकी बुआई करने के पश्चात किसान भाइयों, इसमें आप जैसे कि दीमक वगैरह की समस्या है तो आप दीमक की दवा इसमें डाल सकते हैं। सबसे उपजाऊ इसके लिए जो खाद होती है वह गोबर की खाद होती है। यदि आप अपने खेतों में गोबर की खाद डालते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा, कि क्योंकि और ये वैरायटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त होती है इसमें। और मूली में आप देखते होंगे ज़्यादातर कि सभी मूलियों में, चाहे पत्ते हों चाहे उसका कंद हो, उसमें सड़न गलन की समस्या अधिकतर आती है। यदि पानी भर जाता है तो पूरी की पूरी फसल आपकी नष्ट हो जाती है। तो आप इस वैरायटी को बोकर इन समस्याओं से आप निपट सकते हैं। इसमें सड़न गलन की समस्या बहुत कम होती है, और यदि हो भी जाती है तो यदि आप नाली विधि से इसकी बुआई करते हैं तो आप पानी को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे आपकी फसल सुरक्षित हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के करीबन 40 से 45 दिनों बाद ये मार्केट में बेचने योग्य, यानी आपकी फसल तैयार हो जाती है। आप इसकी पहले जो 40 से 45 दिन में इसको आप मार्केट में बेचने लायक लगभग 1 फुट की तैयार हो जाती है, और मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलता है इसका। लगभग 2 से 3 रुपए के आसपास एक मूली का मूल्य आपको मिल जाएगा। एक मूली लगभग 2 से 3 रुपए की आपकी लगभग बिक जाती है। रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन इसकी उत्पादन
इतना अच्छा होता है, इसकी मूली का साइज़ इतना अच्छा होता है कि आप यदि एक बार इस मूली को लगाएंगे तो आप किसी अन्य वैरायटी को लगाना हो सकता है कि आप कम कर दें। किसान भाइयों, सजेंटा कंपनी की एवरी वाइट मूली आप लगा सकते हैं यदि मूली की खेती करते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए या किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।